अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज ब्लॉक। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास डेली प्लानिंग में है हैश, डे 11 में आपके पास है हैश 7, हैश 8, हैश 9। ओपन योर मॉडल वर्क। मॉडल वर्क में आपके पास है हैश 7 में, हैश 7 में आपके पास है पेज नंबर 17 एंड होमवर्क इज़ पेज नंबर 18। इट इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक। ओपन पेज नंबर 17। ओपन पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में आपके पास टॉपिक है नाउन। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे डे मेंशन करेंगे, जिस डे आप काम कर रहे हैं वो डे मेंशन करेंगे और यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है, पहले की क्लास में पढ़ा है कि नेम क्या है, प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब किसी भी चीज़, जगह, जानवर का नाम, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज ए है आपके पास। कैन यू मेक सेंटेंस यूजिंग नाउन एंड ड्रॉ पिक्चर्स। एग्जांपल, आई लाइक माय मदर। कह रहे हैं कि ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी पिक्चर्स बनानी है और इन्हीं वर्ड्स की यहाँ पर नीचे आपको सेंटेंस बनाने, क्या आप सेंटेंस बना सकते हैं और इनकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग पहले काम करेंगे, उसके बाद पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। सबसे फर्स्ट वर्ड है ब्रदर। यहाँ पर हम ब्रदर का सेंटेंस बनाएंगे। ब्रदर का क्या आप सेंटेंस बना सकते हैं, माई ब्रदर इज़ अ गुड, या माई आई लाइक माई ब्रदर। इस तरह हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे। स्टार्ट योर वर्क। सबसे फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, माई brother is very active, ठीक है। अब सेकेंड वर्ड आपके पास क्या है, बीच। बीच का क्या बना सकते हैं, आई लाइक टू गो बीच, गो ऑन अ बीच, या आई लाइक टू प्ले ऑन अ बीच। इस तरह हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तरह नंबर थर्ड है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा इज़ अ बिग एनिमल। ज़ेब्रा क्या है, बिग एनिमल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ज़ेब्रा अब नीचे है बॉल, लास्ट वर्ड है बॉल। बॉल का क्या करेंगे, a fun like to play with a ball, okay। ये आपको काम करना है। अब हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रदर की पिक्चर आएगी, यहाँ बीच ज़ेब्रा और यहाँ बॉय। सर, आपको पिक्चर्स बनानी है। अब हम आएंगे होमवर्क पे। आपके पास होमवर्क में है टॉपिक है आपके पास नाउन। यहाँ पे डे मेंशन करेंगे जब आप काम कर रहे हैं उस दिन का, और यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। आपके पास है एक्सरसाइज ए, एक्टिविटी। लुक एट ईट पिक्चर, कलर इट रेड, इट नेम्स अ पर्सन। मतलब कल आपको पिक्चर्स देखनी है, कलर उस पिक्चर को रेड कलर करना है जो पर्सन है, ठीक है। अब है कलर इट ब्लू, इफ नेम्स अ प्लेस। उस पिक्चर को ब्लू से कलर करना है जो प्लेस की पिक्चर है। कलर इट ग्रीन, इट नेम्स अ थिंग। मतलब उस पिक्चर को आपको ग्रीन कलर करना है जो चीज़ की पिक्चर है। कलर इट ब्राउन, इट इफ इट नेम्स एन एनिमल। वहाँ आपको क्या करना है, जो एनिमल्स नेम होंगे उनको क्या करना है, ब्राउन पिक्चर से करना है। लुक एट द पिक्चर्स, कलर इट रेड, इफ इट नेम्स अ पर्सन। मतलब पर्सन का नेम है तो आप उसको क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे, पर्सन की पिक्चर है। कलर इट ब्लू, इफ इट नेम्स अ प्लेस। आपको क्या करना है, प्लेस की पिक्चर है तो उसको ब्लू कलर करना है। इसी तरह थिंग की पिक्चर है तो ग्रीन कलर, एनिमल की पिक्चर है तो ब्राउन कलर, ठीक है। अब देखें, बैंक, ग्रैंडफादर,
डायनासोर, फ्लावर, पार्क, गर्ल, ग्रेप्स, फायरमैन, लाइब्रेरी। ये क्या है? थिंग है, प्लेस है, पर्सन है और थिंग है, एनिमल है। क्या है? ये प्लेस है, ठीक है। इसको इसी तरह आप कौन सा कलर करेंगे? प्लेस में ब्लू कलर। इसको कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर। इसको एनिमल है तो इसको क्या करेंगे? ब्राउन कलर, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।